बिजली से तार से मतलब करंट मिलने से। कहाँ पे ये फैक्ट्री कहाँ पे थी? यही हमारे जेठे बगल में है पीछे। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? कोल फैक्ट्री, खंबे बनते। कितने वर्षों से आपके पिताजी कार्य कर रहे थे? कार्य तो कर रहे थे कम से कम 2-3 साल से, लेकिन अभी बीच में छोड़ दिए थे, फिर अभी ज्वाइन कर लिए। जो फैक्ट्री थी वो वैध रूप से थी कि अवैध रूप से? अब ये इसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से नहीं। क्या होता था उसमें जी? कार्य क्या होता था? कार्य में पोल बनते हैं, खंभे। आप भी काम करते थे? नहीं। आपके गांव से लगभग कितने लोग काम करते थे? हमारे गांव से कम से कम 20-25 लोग। कितने लोग उसमें जो है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है? अभी एक बार एक और इस बार हो गए थे। अच्छा, दोबारा दूसरी घटना। अच्छा, दूसरी घटना। नाम बता दो फैक्ट्री का। सौरभ सक्सेना। अच्छा, फैक्ट्री। और जो मृतक? जिला अध्यक्ष लखनऊ भारतीय किसान यूनियन बहोता। हम लोग एक मीटिंग में थे, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जी सीतापुर में हम लोग थे। जब इसका पता चला घटना का, तो हम लोगों ने कहा था मिट्टी मत जाने देना, लेकिन यहाँ के जो हल्का इंचार्ज थे वो कैसे भी अपना बहला फुसरा के कि हाँ अभी कार्रवाई होगी, अभी ये होगा, मिट्टी हटवा दिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए मिट्टी। मिट्टी उठे हुए 3 घंटा हो चुका है। अब बता रहे हैं कि कागज आज नहीं बन पाएंगे, जब तक कागज नहीं जाएगा वहाँ मर्सरी में नंबर नहीं लगेगा। अभी ये लोग 3 घंटे में क्या लिखा पड़ी होती थाने में, कई लोग मरे। कई बार हमने देखा उनके यहाँ बीमारी है कुछ, तो पहुँचे नहीं, बरेली में है। तो हम लोग चाह रहे हैं जब तक कोई शासन प्रशासन का अधिकारी नहीं आता है, तब तक हम लोग कोई ठोस आधार नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से जाम नहीं हटाएंगे। और हम लोग पूरा हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे यूनियन के जो किसान नेता सरवन जी के पिताजी, इनका जो इनकी मृत्यु हुई है, तो कई बार हम लोगों ने यहाँ के जो लोकल लोग हैं बताया गया, वहाँ के वायर वायर सब कटे पटे पड़े हैं, लेकिन वहाँ जो एसडीओ जेई सबके बिजली विभाग का भी हाथ है इसमें सबके। किसान एकता करता है, भले से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, भले से नहीं डरता है। जय जवान जी। मैं भी वहाँ काम करता हूँ, और वहाँ पर कोई लिफ्टिशियन है नहीं, पीछे दूर सौ रहा है, लिफ्टिशियन कोई नहीं है। वहाँ के तार वगैरह कटे हुए पड़े हुए। मैं अनपढ़ गवार हूँ। आप लोग कितने बार उसकी कंप्लेन कर चुके हैं? कंप्लेन क्या, मालिक करता भी नहीं, मालिक कह नहीं करता। अच्छा, हम लोग नहीं करते हैं। अगर अभी हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो मालिक डर होता है। तो जो घटना क्रम चालू है, आए दिन कोई ना कोई खत्म हो जाता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग अशिक्षित हैं, और मैं भी वही का काम करता हूँ, तो वो लोग वो चीज नहीं सोचते हैं कि ये काम होना चाहिए। सबका जोड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ये सब जाऊँ निकली तो हुआ। किसान एकता करता है, भले से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, भले से नहीं डरता है। जय जवान। बेटा हमारा कार्यकर्ता है, वो फैक्ट्री में काम करता था, फैक्ट्री में काम के पैसे फैक्ट्री मालिक की जमा निकाल दिया, लेकिन अभी तक यहाँ पे आपका कोई आदमी नहीं आया। आप बताओ, बोल रहा है पहली बार, पहली बार। अरे रात 2 से 2:30 बजे के बीच।
काम हो गया ढाई बजे पोस्टमार्टम करा के उसको आप हमारे यहाँ भेज देंगे, उसके बाद आप क्या कोई कार्यवाही नहीं होती और पैसा देगा और आप सब लोग गायब हो जाओगे। उसको आप फड़ पे बुलाइए और डीएम साहब आ गए आपको ये घटना सुबह 7 बजे की है। इस संबंध में मुझे सूचना 10 बजे मिली जब मैं यहाँ मौके पर पहुंचा। सभी लोगों ने मुझे पूरी जानकारी दी। इस संबंध में मैंने पुलिस को सूचना दी, लिखित में सूचना उसका पुलिस आई और पंचनामा करके उसने पोस्टमार्टम के लिए और मुकदमा भी लिखा। अभी तक मेरी जानकारी नहीं पास। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री मालिक को लाया जाए, तो उस समय संबंध में आपने कोई प्रयास किया? फैक्ट्री मालिक का नंबर मैंने खुद लिया, अच्छे कर्मचारियों से मैंने उनको फोन करके